वैसली के युद्ध कौशल से प्रभावित होकर डैनी अपनी राइफल उसे थमा देता है। अब वो जर्मन कैप्टन को निशाने पर लेता है। वो एक बम धमाके की तेज आवाज की आड़ में पहली गोली चलाता है। अब कैप्टन के पास खड़े सैनिक की नजर कैप्टन पर जाती है। इससे पहले कि वो किसी को कोई सूचना देता, दूसरी गोली चलती है और सीधे उसके सिर के पार निकल जाती है। अब तीसरी गोली इस जर्मन सैनिक को ढेर कर देती है। ये जर्मन सैनिक वैसली को शूट करने के लिए पोजीशन ले रहा है, लेकिन उससे पहले ही चौथी गोली चलती है और उसका भेजा उड़ाते हुए निकल जाती है। अब वहाँ मौजूद यह आखिरी जर्मन अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वैसली उसे भागने का मौका नहीं देता। वो अपनी बंदूक से निकली पांचवी और आखिरी गोली को उसके नाम कर देता है। अब वैसली सोवियत आर्मी का सर्वश्रेष्ठ स्नाइपर है और उसकी बहादुरी ने सोवियत आर्मी का मनोबल शिखर पर पहुंचा दिया है। उसे कई अहम मिशंस पर भेजा जाता है जिन्हें वो बिना चूक के पूरा करता जाता है। उधर जर्मन आर्मी का मनोबल लगातार गिर रहा है। अब चिंतित जर्मन कमांडर अपने सबसे भरोसेमंद कर्नल को वैसली को मारने की जिम्मेदारी देता है।